नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने ही चैनल द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपको लिए स्पीडी समान अध्ययन बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूँ। इसमें आज पार्ट 121 है। इसे पीछे का सारा वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे जाके देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये स्पीडी समान अध्ययन बुक का पेज नंबर 121 है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता का संबंध अनुच्छेद 19 1 के क से है। प्रेस की स्वतंत्रता का संबंध किससे? अनुच्छेद 19 के 1 के क से है। मूल्य वर्धित कर वैट का एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। मूल्य वर्धित कर वैट क्या है? यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। गोवा राज्य का निर्माण 56वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। गोवा राज्य का निर्माण किस संशोधन के द्वारा किया गया था? 56वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। जैकवारी परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। जैकवारी परियोजना कहाँ पर स्थित है? गोदावरी नदी पर स्थित है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दुधिया में बदल देता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को किस में बदल देता है? दुधिया में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय चिरहरित वन उन प्रदेशों में मिलते हैं जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। उष्णकटिबंधीय चिरहरित वन उन प्रदेशों में मिलता है जहां पर वर्षा कितने होते हैं? 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। अंडमान और निकोबार द्वीप कोलकाता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में पड़ता है। अंडमान और निकोबार द्वीप किसके क्षेत्राधिकार में पड़ता है? कोलकाता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में पड़ता है। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी द्वारा 1924 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु विचार सर्वप्रथम कहाँ पे किया गया था? 1924 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था, स्वराज पार्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है, एनएलएसटी कला का प्रभाव गंधार कला में परिलक्षित होता है। एनएलएसटी कला का प्रभाव किस में परिलक्षित होता है? गंधार कला में परिलक्षित होता है। 1934 ईस्वी में लंदन में होने वाले दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार भाग लिया था। 1934 ईस्वी में लंदन में होने वाले दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार भाग लिया था। भारत में प्रथम डाक 1727 ईस्वी में खोला गया था। भारत में प्रथम डाकघर कब खोला गया था? 1727 ईस्वी में खोला गया था। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद चटर्जी है। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? बंकिम चंद चटर्जी है। स्वप्नवासवादाता के लेखक भास है। स्वप्नवासवादाता के लेखक कौन है? भास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में लाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कहाँ पे लाया गया था? लाहौर अधिवेशन में लाया गया था। केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बटुकेश्वर दत्त तथा भगत सिंह ने बम फेंका था। केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को किसने बम फेंका था? बटुकेश्वर दत्त तथा भगत सिंह ने बम फेंका था। वायसराय लॉर्ड इरविन के शासनकाल में साइमन कमीशन भारत आया था। किसके शासनकाल में साइमन कमीशन भारत आया था? लॉर्ड इरविन के समय में भारत में साइमन कमीशन भारत आया था। प्रशांत महासागर के चारों ओर भूकंप की सबसे सक्रिय पेटी है कहाँ पे? सबसे अधिक भूकंप की सबसे सक्रिय पेटी स्थित है तो प्रशांत महासागर के चारों ओर भूकंप की सबसे सक्रिय पेटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी के घुमावदार पथ से गोखुर झील का निर्माण होता है। नदी के घुमावदार पथ से किसका निर्माण होता है? गोखुर झील का निर्माण होता है। पवन के निक्षेपण से बालुका स्तूप और लोयस बनते हैं। पवन के निक्षेप से क्या होता है? बालुका स्तूप तथा लोयस का निर्माण होता है। 0° अक्षांश को विषुवत रेखा कहा जाता है। 0° अक्षांश को क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा कहा जाता है। शंघाई को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। शंघाई को क्या कहा जाता है? चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। हिमालय 3 समांतर श्रेणी में विभक्त है। हिमालय कितने समांतर श्रेणी में विभक्त है? 3 समांतर श्रेणी में विभक्त है। चिरहरित वन में 200 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। चिरहरित वन में कितना वर्षा होती है? 200 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल द्रविड़ प्रजाति के लोग हैं। संथाल किस प्रजाति के लोग हैं? द्रविड़ प्रजाति के लोग हैं। मानचित्रों में नदी को नीला रंग से दर्शाया जाता है। मानचित्रों में नदी को किस रंग से दर्शाया जाता है? नीला रंग से दर्शाया जाता है। डोलेराइट एक आग्नेय चट्टान है। डोलेराइट क्या है? एक आग्नेय चट्टान है। मानव आंख की रेटिना पर वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। सीसा संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सीसा संचायक बैटरी में किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। हुनरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। हुनरू प्रपात कहाँ पर स्थित है? स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। असहयोग आंदोलन के शुरू होने के समय गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी थी। असहयोग आंदोलन के शुरू होने के समय गांधी जी ने कौन सी उपाधि लौटाई थी? केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी थी। ली कमीशन की स्थापना 1923 ईस्वी में हुई थी। ली कमीशन की स्थापना कब हुई थी? 1923 ईस्वी में हुई थी। विश्व व्यापार संगठन के प्रथम अध्यक्ष पीटर सदरलैंड है। विश्व व्यापार संगठन के प्रथम अध्यक्ष कौन है? पीटर सदरलैंड है। दुर्लभ मुद्रा का आशय उस मुद्रा से जो विकसित देशों का है। दुर्लभ मुद्रा का आशय क्या है? उस मुद्रा से जो कि विकसित देशों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कार्य करने में मानव शरीर द्वारा स्थितिज ऊर्जा प्रयुक्त होती है। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा कौन सी ऊर्जा प्रयुक्त होती है? स्थितिज ऊर्जा प्रयुक्त होती है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित है। नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ स्थित है? कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित है। ऑक्जेनोमीटर से पौधे की रेखीय वृद्धि मापा जाता है। पौधे की रेखीय वृद्धि किससे मापा जाता है? ऑक्जेनोमीटर से मापा जाता है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पूना में स्थित है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? पूना में स्थित है। पोलियो वायरस की खोज 1908 ईस्वी में कार्ल लैंड स्टीनर एवं एडविन पोम्पम ने की थी। पोलियो वायरस की खोज 1908 ईस्वी में किसने किया था? कार्ल लैंड स्टीनर एवं एडविन पोम्पम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए एंजाइम के संश्लेषण को नियंत्रित करता है। आरएनए किसको नियंत्रित करता है? एंजाइम के संश्लेषण को नियंत्रित करता है। अरब सागर की रानी कोची को कहा जाता है। अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है? कोचिन को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार में 1 करोड़ राशि की पुरस्कार दो स्वरूप दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार में कितना राशि प्रदान किया जाता है? 1 करोड़ राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है। मोटर कार का आविष्कार कार्ल बेंज थे। मोटर कार का आविष्कार कौन थे? कार्ल बेंज थे। संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों को किससे लिया गया है? अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाडागा जनजाति तमिलनाडु राज्य में स्थित है। वाडागा जनजाति कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारतीय शासक सिकंदर लोधी ने सर्वप्रथम राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दी थी। किसने फांसी दी थी? जहांगीर ने फांसी दी थी। फालूजा इराक में स्थित है। फालूजा कहाँ पर स्थित है? इराक में स्थित है। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लेट सेल का रूपांतरित रूप है। सेल का रूपांतरित रूप है। रुपये का सिक्का भारत में पहली बार शेर शाह के शासनकाल में ढाला गया था। शेर शाह के शासनकाल में ढाला गया था। पौधे में सौर ऊर्जा फोटोट्रोपिज्म कहलाती है। गुमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में स्थित है। गायकवाड बड़ोदरा का शासक था। बड़ोदरा के शासक था। सुपरसोनिक विमान आयन मंडल को हानि पहुंचाता है। कन्हेरी में लगभग 100 गुफाएं हैं। सौ गुफाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खंभात की खाड़ी भावनार एवं सूरत के बीच स्थित है। कैंसर अस्थि मज्जा के ल्यूकेमिया को प्रभावित करता है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक धर्मपाल था। बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में लगाता है। अंग्रेजों को पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह करने पर बुम्बई 1861 ईस्वी में दहेज में मिला था। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें। तो नेक्स्ट है दोस्तों, इस पार्ट का बिहार के बारे में जानेंगे हम लोग कुछ फैक्ट। बिहार की राजधानी है पटना, और इतना नहीं देखना है सब दोस्तों, वो सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। इससे आगे देखते हैं, विभाजन बिहार का कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2001 को विभाजन हुआ भारत का। इससे झारखंड राज्य बना था। राजभाषा क्या है? हिंदी है। उच्च न्यायालय पटना। प्रमंडल कितना है? 9। जिला कितना है? 38। विधानमंडल है द्विसदनात्मक। विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? 75। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 40। बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 16। बिहार का राजकीय पशु क्या है? रीछ। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? फाकथा। बिहार का वन क्षेत्र कितना है? 2.9 मिलियन हेक्टेयर। सड़क मार्ग की लंबाई कितनी है? 35,411 किलोमीटर। नेक्स्ट, इतना ये सुपर महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों। प्रमुख पर्व एवं त्यौहार है रामनवमी, रक्षाबंधन। बिहार का प्रमुख त्यौहार क्या है दोस्तों? रामनवमी, रक्षाबंधन, विजयादशमी, दीपावली, ईद, छठ पूजा। प्रमुख मेला कौन सा है? सोनपुर का पशु मेला। बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? जयराम दौलतराम। बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? श्री कृष्ण सिंह। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? राबड़ी देवी। बिहार के पर्यटन आकर्षक क्या है? पाटलिपुत्र के प्राचीन
प्रसिद्ध कुम्हारारा, हर मंदिर, गोलघर इत्यादि। नेक्स्ट फैक्ट है पटना संग्रहालय मुगल व राजपूत वास्तुकला का सम्मिश्रण है। पटना संग्रहालय मुगल व राजपूत कला का सम्मिश्रण है। सोनपुर का मेला सबसे बड़ा पशु मेला है। सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? नहर। सबसे बड़ी परियोजना है गंडक परियोजना। सबसे बड़ी परियोजना क्या है? गंडक परियोजना। बिहार के प्रथम दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर 1978। बिहार के प्रथम दूरदर्शन केंद्र क्या है? मुजफ्फरपुर 1978। बिहार के अधिक जनसंख्या वाला जिला पटना। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट है सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला शेखपुरा है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? शेखपुरा है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। सबसे कम जनसंख्या वाला भी जिला भी शेखपुरा ही है। गंगा की बड़ी सहायक नदी बूढ़ी गंगा गंडक है। गंगा की बड़ी सहायक नदी बूढ़ा गंगक है। दोस्तों ये वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।